कम कराते रहोगे चाइना और पाकिस्तान से। बड़ा प्रेम है चाइना और पाकिस्तान से आप लोगों को। जय श्री राम बोलूंगा, हिंदू हूँ बोलूंगा, लेकिन हर हर मोदी का क्या मतलब है? नया संसद से आम आदमी को क्या मिला? संसद तो था पहले से बना हुआ। गोदी मीडिया अलग चल रही है। हाँ। गोदी मीडिया है अपने आप में। कौन है गोदी मीडिया? देखिए, जो प्रोपोगंडा फैलाती है, जितना प्रचार जो है आपका खान, वो खान कौन सी मूवी आई है? पठान। मुझे तो पठान का आज तक नाम भी नहीं पता है कौन सी मूवी है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। इसके पीछे फंडिंग है और कुछ नहीं है, क्योंकि आम आदमी को इन सब चीजों का नहीं पता होता है। क्योंकि एक चीज बताइए, मोदी जी ने कह दिया है कि कोई नेता नहीं बोलेगा। मैं बताता हूँ आपको, कहीं पे भी लोकल एरिया में चले जाइए कि क्या कोई आदमी उसका बहिष्कार कर रहा है? अरे भाई नहीं साहब, कर रहा है। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी ही बहिष्कार कर रही है उसका। दिक्कत क्या है सरकार से? एक एक एक, एक मुद्दा बताइए कि सर, मोदी जी के राज में कौन सा भ्रष्टाचार हो गया, कौन सी महंगाई बढ़ गई? अच्छा। चाइना पाकिस्तान थर थर काप करे, आपको दिक्कत क्या है? कराते रहोगे चाइना और पाकिस्तान से। बड़ा प्रेम है चाइना और पाकिस्तान से आप लोगों को। आपको मोटा माल नहीं मिला है, इसलिए आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान से कब तक डराते रहोगे हमारे को? आप टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लग रहे हैं। देखिए, ये आप गलत बात कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है बीजेपी समर्थित था, वो अलग चीज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये आप मान के चलिए। इसी दिल्ली के अंदर में सिविक सेंटर में बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, जो 9% जीत करके आए हैं उनके। लेकिन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ एकमात्र एक ऐसा आदमी है जो अकेला खड़ा हुआ है, जिसका नाम है केजरीवाल। उसके अलावा कोई नहीं है। जो उसकी नीति है केजरीवाल की, वो किसी की नहीं है। केजरीवाल नकली हिंदू है। उसका सर्टिफिकेट आप बांटेंगे क्या? उसका सर्टिफिकेट बीजेपी बांटेगी क्या? नकली है और असली है। अच्छा, केजरीवाल एक अकेला आदमी खड़ा हुआ नहीं, तो इस देश से निकाल दो। जितने लोगों ने जब बीजेपी को वोट दिया है, उसके वो अपना सर्च करने के बाद में उन्हें बाहर निकाल दो। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि भाई मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, तो गाना सुना था आपने यूपी चुनाव से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? सर देखिए, मेरी औकात तो है नहीं, मैं भगवान को लिया हूँ। हाँ, मैं भगवान की प्रतिमा अपने घर में ला करके पूजा जरूर कर सकता हूँ और करता हूँ। हर साल जो है हनुमान जयंती को जो है सुंदरकांड का पाठ कराता हूँ, भंडारा कराता हूँ। लेकिन जिन लोगों को इतना घमंड हो गया कि हम भगवान राम को ले आए, अरे भैया, इस दुनिया में जो लाए हैं वो राम हमें लेकर के आए हैं। राम हमें ला सकते हैं, हम राम को नहीं ला सकते हैं। ये उन्हें सोचना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं एक बात, जितना अपमान, आप सब नोटिस कर लीजिएगा इस बात का, जितना अपमान 2014 के बाद से आज की डेट तक 2023 चल रही है ये हमारी, बीजेपी ने किया है राम जी का अपमान, उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा है। किसी और ने तो खैर करा ही नहीं है, जितना बीजेपी ने अपमान किया। हर होर्डिंग के अंदर बीजेपी के जो है रामचंद्र जी की फोटो लगती है। रामचंद्र जी की फोटो 4 दिन के बाद जब होर्डिंग उठा के ले जाते हैं नगर निगम वाले, वो उठा करके होर्डिंग कहाँ जाता है? मैं अमित शाह से और मोदी जी से पूछना चाहूंगा और योगी बाबा जी से ही पूछना चाहूंगा कि उन होर्डिंगों को उतारने के बाद में कहाँ ले जाते हैं? कहीं सिलाते हैं या सारा सिर्फ जो है उसमें पैरों में जाता है? तो ये बड़ी देखने वाली चीज है। अभी भाई साहब ने कहा कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं। मैं हाँ हिंदू हूँ, मेरा खून निकाल के देख लिया, इसी देश का हूँ। आप राफेल मौत पहुंची, आप इसी पे अभी आप भाग रहे हैं। अभी आप राम मुद्दे के बाद से भाग रहे हैं राम मंदिर से। अब आपने भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको इसका जवाब नहीं है। हिंदू विरोधी है, आपको इसका इसकी आंसर नहीं मिल रहा है आपको। राफेल किसने खरीदा? राफेल तो कांग्रेस के टाइम पे आया था। कांग्रेस अच्छी सरकार थी, जिस समय उसका ऑर्डर दिया गया था वो कांग्रेस की। तो ठीक भाई साहब, 370 किसने हटाया? आज की डेट में आपने कितनी जमीन खरीद ली वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में? आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में कितनी जगह जाके जमीन खरीद ली आपने? आप बताइए कितने हिंदू ने यहाँ से? हिंदू सारे दो दो प्लॉट ले चुका है, 200 गज का। अच्छा, आपके जितने आप लोग खड़े हैं सबके दो दो प्लॉट हैं? जरा रजिस्ट्री दिखा दीजिएगा मेरे को। अरे पत्रकारों के 5-5 बंगले बन गए। अरे पत्रकारों के ऐसा वो गोदी मीडिया के बन गए हैं, वो जो आम पत्रकार है उनके नहीं बने। मीडिया का नाम लेने की हिम्मत है? हिम्मत है गोदी मीडिया? आपको पता कौन कौन गोदी मीडिया चल रही है? नाम लेके दिखाइए। गोदी मीडिया ऑलरेडी पता, गोदी मीडिया कौन से किसके पास से फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है? आपको कहाँ से आ रहा है? मेरे तो पाकिस्तान से। भाई साहब, चाइना और पाकिस्तान को आपका बड़ा प्रेम है, चाइना पाकिस्तान से। हर हर मोदी हिंदू है तो है,
जय श्री राम बोलूंगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी क्यों बोलूंगा, हर हर मोदी नहीं, जय श्री राम बोलूंगा, हिंदू हूँ बोलूंगा। लेकिन हर हर मोदी का क्या मतलब है, हर हर मोदी का क्या मतलब, भगवान से तुलना कर रहे हैं आप उनकी, क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं हर हर का मतलब भगवान के नाम के आगे हर हर, भगवान राम को मंदिर किसने दिया, रामला टाट में थे, मोदी जी ने मंदिर बना के अभी दिया। अभी आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है, ये खुद बीजेपी के नेता कहते, खुद कहते अंबानी अडानी से क्या दिक्कत है भाई साहब आपको, आपको दो चार एयरपोर्ट दे दे मुझे खुशी हो जाएगी, दो चार एयरपोर्ट आपके नाम कर दे, आपके जो बिड निकलेगी वो आपके नाम कर दे, पीएम का पद आपको दे दे, क्या दिक्कत आ रही है, नया संसद तो बन गया, नया संसद से आम आदमी को क्या मिला, संसद तो था पहले से बना हुआ, वो पर गुलामी का प्रतीक था, नौकरी हो गई सेना की, बहुत अच्छी बात छेड़ दी आपने, चार साल की नौकरी हो गई, 2014 में मोदी जी के कैबिनेट में जितने भी जो है अपना पुराने नेता थे बीजेपी के, उनकी सबकी चार चार साल की नौकरी थी, वो सब खत्म होती चली गई, आज की डेट में दो आदमी बचे हैं, उन्हें भी आगाह कर देता हूँ आज, एक तो आपका नितिन गडकरी जी बचे हैं और एक राजनाथ सिंह जी बचे हुए हैं, उनकी भी चार साल की नौकरी पूरने के बाद में वो भी घर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, बीजेपी सबका साथ सबका विकास, देखिए बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास करती है, सबका साथ तो लेती है, सबके सबसे वोट तो लेती है, लेकिन विकास सिर्फ अपने चंद मित्रों का ही करती है, कौन मित्र है मोदी जी का, अडानी जी आपको नहीं पता, अरे वो देश के गौरव हैं, अच्छा देश का गौरव वो बच्चा है जो पढ़ के साइंटिस्ट बनता है, जो सेना बॉर्डर पे खड़ी है वो हमारे देश का गौरव है, मोदी जी ने कहा है सेना से ज्यादा रिस्क तो बिजनेसमैन लेता है, आप से अच्छा मतलब आप मोदी जी ने कहा है आप कह रहे हैं, अरे मोदी जी का बयान है मैं दिखा दूंगा सोशल मीडिया पर, मोदी जी का बयान क्या है दोबारा से रिपीट कीजिएगा, सेना से ज्यादा रिस्क बिजनेसमैन लेता मतलब है, आप कह रहे हैं हमारी सेना को पीछे कर रहे हैं आप, आरएसएस आपको मोहन भागवत ने कहा, शर्म नहीं आ रही है आपको ये बात कहते हो, नहीं ये आपको शर्म आनी चाहिए, ये शर्म आनी चाहिए आपको, सेना का अपमान कर रहे हैं आप लोग, आपने खुद कहा है, अरे मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने बोला तो मोदी जी सेना का अपमान कर रहे हैं, हमारे जो वीर सैनिक हैं वो हमारे देश का गर्व है, उनसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता कभी भी, मोदी जी आए हैं तब से सेना मजबूत हुआ है, उससे पहले हमारी सेना कमजोर बता रहे हैं आप कमजोर कह रहे हैं, मोदी जी लाल आंख दिखा रहे हैं चाइना को, क्या दिखा रहे हैं लाल आंख, मोदी जी कौन होते हैं, हमारी सेना हमारी रक्षा करती है, मोदी जी कोई रक्षा नहीं करते, देखा नहीं था घुस के मारा, तो मोदी जी कर रहे हैं ना, सर सेना का नेतृत्व हमेशा सेना अपने आप में करती आई है, मोदी जी सिर्फ आदेश देते हैं, पहले भी आदेश दिए जाते हैं, उससे पहले भी युद्ध हुए थे, चाइना का भी हुआ, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान ने तो आज अपने घुटने टेक दिए, उसने कहा कि भैया हम भारत से कभी नहीं लड़ सकते, हमारी बस की बात नहीं है भारत से, तो ये आप मान के चलिए कि सेना से ऊपर कभी ना कोई हुआ, लेकिन मोदी जी ने जो आप कह रहे हैं, गंगा बिलास क्रूज चल रहा है मोदी जी का, देखे कि नहीं, अरे भाई साहब ऐसा नाव देखे थे कभी, पनिया जहाज, सर आपने देखी, आप बैठे हैं उस नाव में, आप बैठे हैं, ये आम जनता कभी बैठेगी उस नाव में, मात्र 19 लाख रुपए में बनारस से डिब्रूगढ़, 25 लाख 25 लाख तो उससे भी आपको दिक्कत है सर, आम आदमी को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला, 5 किलो राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, आप 5 किलो राशन देते रहो और उन्हें जो है अडानी अंबानी जी को और क्रूज में बिठाते रहो, कौन सा दे दिया, क्या दे दिया अंबानी अडानी को, क्या नहीं दिया, नाम बताइए, रोड बेच दी, सेल बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, BPCL बेच दी, आपको आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, अरे खोलो कुछ तो आके खोलो, अरे दोस्त के लिए तो आदमी जीवन दे देता है, मेरा दोस्त हो ना तभी तो मैं दूंगा, लेकिन वो तो देश बेच के दोस्त को फायदा दे रहा है, कौन सी कंपनी बिक गई भाई, कौन सी नहीं बिकी, कौन सा नहीं दिया है आप बताइए ना, कौन सा यार चीज नहीं दिया, सरकार खत्म करने वाली हुई है, उत्तर प्रदेश आरक्षण तो खत्म होना चाहिए, अच्छा मतलब आप भी आप जो हैं SC ST OBC तीनों के खिलाफ हैं सरकार, ये आप ये मान रहे हैं, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, SC ST ये जातियों पर बटा हुआ देश है, मोदी जिसको हिंदू बनाएंगे सबको, तो देखिए हिंदू सारे हैं, हिंदू की कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदू को पहले दिक्कत थी ना आज दिक्कत है हिंदू, लेकिन आरक्षण क्यों चाहिए, कमजोर हैं, इन्होंने कमजोर कर रखा है नीचे वालों को, OBC ST को, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे OBC SC ST जो है MP का टिकट ले, MLA बने, मेयर बने, पार्षद बने, ये सारी चीजें, तो क्या बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, देखिए
ये तो आप डिसाइड करेंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं वो SC ST OBC के खिलाफ है। खिलाफ है कितने है? मोदी जी तो खुद पिछड़ा के बेटा है सर, पिछड़ा के बेटे हैं, लेकिन RSS की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है पिछड़ों को खत्म कर दो, SC ST को खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, तो यूपी इसका जीता जागता प्रमाण है। यूपी में नगर निगम का इलेक्शन हुआ था। RSS ब्राह्मणों की संस्था है? देखिए RSS शुरू से एक संस्था है, वो ब्राह्मणों की है, क्या है मुझे RSS का अंदर का इंटरनल। अभी आप कह रहे कि RSS कर रही है, मुझे RSS से कोई लेने देना नहीं है, मुझे अपने देश से लेना देना। तो RSS राष्ट्रवादी संगठन है। अच्छा, देश का जो RSS में नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। आप जाके RSS में ट्रेनिंग लीजिए। सर मैं क्यों लूंगा RSS में जाके ट्रेनिंग, मुझे अपने देश को बेचना नहीं है। देश को बेचने वाला सामने बैठा हुआ है एक आदमी, ऑलरेडी बैठाया हुआ है उन्होंने, देश बेचते रहो उन्होंने कहा। रोज रात को ये सोचते हैं यार अडानी जी अब क्या बेचना है, अब क्या देना है आपको, क्या बचा हुआ है इस देश के अंदर में, तो ये सोचने वाली बात है। क्या क्या बचा हुआ है ये मोदी जी सोचते हैं उन्हें अब क्या बचा इस बेचने के लिए अडानी जी को देने के लिए। संसद बन रहा है, देश का स्वाभिमान, देश का 8,000 का जहाज से चल रहा है हमारा प्रधानमंत्री, 8,500 करोड़ सर, देश का 8 करोड़ के कार से चल रहा है हमारा प्रधानमंत्री, गर्व कीजिए। देखिए देखिए देशद्रोही मेरे को, देखिए आप ये गलत बात कर रहे हैं, आप मोदी जी से सवाल, देशद्रोही है यार। देखिए नहीं मैं बताऊं आपको, आप सबूत दीजिए क्या हमारी सेना हमारा गर्व है, हमारे देश का गर्व जो है हमारी सेना है। ये आप सेना कर तो दिया मोदी जी ने, सेना की नौकरी 4 साल का, 4 साल की से अपने कार्यकाल 4 साल का क्यों नहीं कर देते, अपना कार्यकाल 4 साल का क्यों नहीं कर देते, अपने अपनी पेंशन माफ खत्म कर दें, अपनी पेंशन में से उन्हें अपना हिस्सा दें, क्यों नहीं अपनी पेंशन छोड़ देते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आइए में इंडियन मेडिकल जो क्यों नहीं अपने जितनी भी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जो है जैसे भगवान मान की सरकार बनी, जितनी भी जो है अपना MLA MP को जो चार चार पांच बार MLA बनते थे उनकी पेंशन खत्म करके एक बार की कर दी। अरे केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है, आप सिद्ध आप करेंगे इस चीज को, देशद्रोही है। अगर देशद्रोही होता ना तो उन्होंने कहा मोदी जी की आंखें हमेशा केजरीवाल पे नजर बैठी रहती है। जो मोदी देखिए नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, क्यों सुनूंगा आपकी, नहीं सुनी जाएगी आपकी बात, जो कि आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गलत बात का प्रचार कर रहे हैं। जो पार्टी बीजेपी से सवाल पूछे, जो आदमी बीजेपी से सवाल पूछे वो नेता देशद्रोही है। आपने आपने कह दिया है इस बात को, आप ये मान रहे हैं कि जितने भी जो है बीजेपी विरोधी हैं वो जो है देशद्रोही है, वो नकली हिंदू तो है। सबको उठा के जेल में डाल दो, क्यों नहीं जेल में डाल देते, जाएंगे आप लोग जेल में, सबको जेल में डालिए जल्दी, जाएंगे जेल में डालिए। आपको अरविंद केजरीवाल के पीछे भी पड़े हैं, मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हैं, संजय सिंह के पीछे पड़े, क्यों नहीं उठा के जेल में डाल देते, जाएंगे आप लोग जल्दी जेल में जाएंगे। चिंता ना करें, 2024 में खेला होगा वो खेला होगा जो आपको दिखाई पता भी नहीं चलेगा। पूरा हिंदू मोदी जी का साथ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदू अब जो है जाग चुका है, उसे 2024 की आगाज हो चुका है। तो मोदी जी ने कहा है कि हम मुस्लिम भाइयों को भी साथ हाथ मिलाएंगे। बोरा पसमांदा, इसका मतलब आप ही के आपके सवाल में आपका जवाब है, इससे पहले जो है मुस्लिमों के खिलाफ चल रहे थे, अब मुस्लिमों के साथ में जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी भारत है हमारा, भारत है हमारा, सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। मोदी जी हर हर मोदी, भारत माता की जय, हर हर मोदी, जिंदाबाद। चलिए हो गया, ये संगी है, ये नकली संगी है, ये छोटा रिचार्ज है। आपको तो कांग्रेस वाला कहता है छोटा रिचार्ज, ऐसा है छोटे को जेब में रख लेते हैं हम।